मेरी दोनों प्रेगनेंसी में कुछ सिम्टम्स बिल्कुल सेम थे और कुछ बिल्कुल डिफरेंट. उसमें से ही एक सिम्टम था चाय. गाइस कुकू के टाइम पे आई हेटेड चाय और मुझे ऐसा लगता था अब तो मैं कभी पी ही नहीं पाऊंगी. हालांकि मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर तक थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी बट रेनबो के टाइम पे आई वॉज क्रेविंग फॉर इट. मुझे सुबह उठ के चाय चाहिए होती थी, दिन में भी कभी कभी मन हो जाता था, रात को भी चाहिए और मैं अरुणाचल में थी तो वहाँ तो क्या क्या चाय आती थी. खैर लोगों को ये मिथ होता है कि सारी क्रेविंग्स प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है. कुछ डिलीवरी के बाद भी रहती है, उसमें से एक चाय की भी रह गई. हालांकि वेट लॉस के चक्कर में मैंने अभी तक चाय छोड़ दी थी, अभी भी मतलब मैं कम ही कर दी है काफ़ी. मेन रीज़न कैफीन नहीं था उसके पीछे, मेन रीज़न था एडेड शुगर. गाइस जब मैं चाय पीती हूँ तो मुझे उसके साथ चाहिए एकदम मीठे बिस्किट या फिर कोई नमकीन, तो मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ ना, इसलिए आई हेटेड, मतलब आई रेस्ट्रिक्टेड माई कैफीन इनटेक. बट जब से मैंने ये चाय छोड़ी है तब से हेडेक्स बढ़ गए हैं, बट ये नॉर्मल है क्योंकि आप एकदम से कोई हैबिट एकदम बंद करो ना तो वो होता है. अब तो मेरे हेडेक फिर भी कंट्रोल में आ गए हैं, बट जब मुझे ज़्यादा हो जाता है तो मैं कभी कभी पी लेती हूँ.